हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, लेकर आया हूं एक और डिटेल्ड माइलेज टेस्ट होंडा एलिवेट का। बट इस बार हम चला रहे हैं इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट। इससे पहले हम CVT वेरिएंट का एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट कर चुके हैं और इस माइलेज टेस्ट के लिए ना इस गाड़ी को हम चलाने वाले हैं 2000 किलोमीटर। गुड़गांव से इसको लेकर जाएंगे मंडावा, मंडावा से लेकर जाएंगे बीकानेर, बीकानेर से लेकर जाएंगे जैसलमेर और सैम ड्यून्स तक हम होके आने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर। और इस बार इस गाड़ी के अंदर रहने वाले हैं तकरीबन 4 लोग। तो मैं अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप कर रहा हूँ, कैमरा पर्सन को मिलाकर हम 4 लोग ट्रैवल करने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर। और आपको बताएंगे फैमिली टूर के ऊपर अगर आप लंबी ड्राइव के ऊपर जाते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट में आपको कैसी माइलेज मिलने वाली है। बूट स्पेस भी इसमें लगभग हम पूरा यूटिलाइज करने वाले हैं, 5-6 बैग्स लेकर जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसका आपको स्पीडो में दिखा देता हूँ। ट्रिप ए 0 हो गई है, ट्रिप बी 0 हो गई है और जो ओडो है इसका वो है 5680 किलोमीटर्स। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। तो 5680 से माइलेज टेस्ट हम चालू करने वाले हैं। भैया टैंक फुल कर देना। काफी बड़े बूट स्पेस के साथ में आती है होंडा की एलिवेट और 60-40 स्प्लिट में आप यहाँ पर सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। तो आज इसके बूट को भी यूटिलाइज करने वाले हैं। तो टैंक हमने फुल करवा लिया है और अब हम इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं। सामने हमारा घर है और वहां से हम फैमिली को पिक करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे एक 2000 किलोमीटर की लंबी ट्रिप के ऊपर। तो बूट स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन होने वाला है और अब हम चल रहे हैं यहां से जैसलमेर के लिए। लगभग 5 घंटे और 250 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम आ पहुंचे हैं मंडावा, जहां पर बजरंगी भाईजान की जैसी काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। थोड़ी देर रुकने के बाद हम यहां से निकल पड़े हैं बीकानेर के लिए। पीछे बैठे दर्श और पूजा आराम से गेम खेलते हुए हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि हम इतनी लंबी ड्राइव पर निकले हैं माइलेज टेस्ट के लिए विद 4 पैसेंजर्स। इससे पहले मैं और अमित जी निकलते थे तो इस बार हमारा जो सफ़र रहा ना बिल्कुल बोरियत वाला नहीं था यार। आराम से इंजॉय करते हुए, बातें करते हुए और हंसते खेलते पहुँच गए हैं। बीकानेर का विस्टा पैलेस होटल है जो काफ़ी हवेली वाले रूप में आपको काफ़ी अच्छा पसंद आने वाला है, बढ़िया बना हुआ है। तो यहाँ पे आज हमारा नाइट स्टे होने वाला है। रात के समय होंडा एलिवेट की लाइट्स हैं, जैसे टेल लाइट की बात करें, हेडलाइट की बात करें, काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। सो फाइनली हम आ पहुँचे हैं बीकानेर। गुड़गांव से बीकानेर का ये सफ़र रहा है 413 किलोमीटर का और यहाँ पे अगर आप माइलेज देखेंगे ना तो 413 किलोमीटर के लिए यहाँ पे माइलेज दी 17.1 किलोमीटर पर लीटर की। अब रात के बज गए हैं तकरीबन 1:40 यहाँ पे हो चुके हैं। Thank you.
तकरीबन 6 घंटे सोने के बाद बढ़िया ब्रेकफास्ट किया है सुबह और अब निकल पड़े हैं अगली मंजिल की ओर। तो दोस्तों अब हमारा जो सफ़र है ना वो चालू होने वाला है बीकानेर से जैसलमेर के लिए और ये जो दूरी है ये तकरीबन होगी 350 किलोमीटर के आसपास, 5 से 6 घंटे हम ड्राइव करने वाले हैं। अभी तक का सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल रहा है होंडा एलिवेट के अंदर, माइलेज जो MID के अंदर आई ना दिल खुश हो गया यार, और अब आगे के सफ़र की माइलेज और देख लेते हैं कैसी आती है। तो अब हम होंडा एलिवेट को लेकर निकले हैं बीकानेर से टूवर्ड्स जैसलमेर। यहाँ से जैसलमेर की दूरी 350 किलोमीटर के आसपास है, 420 किलोमीटर के आसपास हमने रात को ड्राइव किया था जब हम इसको गुड़गांव से लेकर आए थे बीकानेर। अच्छा दोस्तों गाड़ी की अब हम बात कर लेते हैं, मतलब गाड़ी को हम चला चुके हैं तकरीबन 500 किलोमीटर यहाँ पे हो चुका है। माइलेज जो आ रही है ना यार MID के अंदर कमाल की माइलेज है, 16 प्लस की माइलेज लगातार आ रही है। शुरुआत के 50 किलोमीटर में थोड़ी कम थी, उसके बाद से जब से हम हाईवे के ऊपर आए हैं माइलेज बढ़ती चली गई है। 6 स्पीड का ट्राइड एंड टेस्टेड ये आपको गेयरबॉक्स मिल जाता है, ट्राइड एंड टेस्टेड ही इंजन मिल जाता है होंडा सिटी के अंदर, ये सेम इंजन आता है और वही इंजन को यहाँ पर एलिवेट के अंदर दिया है। तो मतलब यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं की है, आपको जो माइलेज जो परफॉर्मेंस होंडा सिटी के अंदर मिलती है ना सेम आपको होंडा एलिवेट के अंदर मिलने वाली है। माइलेज अच्छी मिल जाती है और स्मूथ है गेयरबॉक्स, इंजन भी स्मूथ है। बात करें ड्राइविंग डायनमिक्स की तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पसंद आने वाली इस गाड़ी का स्टेयरिंग फीडबैक, काफ़ी अच्छा वेट दिया गया है स्टेयरिंग के अंदर। यहाँ पे एक हैवी वेट वाली गाड़ी आपको फील होती है जब आप इसको ड्राइव करते हैं। सिटी में आपको नॉर्मल सा वेट फील होगा, जैसे आप हाईवे पर निकलेंगे हाई स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेट फील होने वाला है स्टेयरिंग के अंदर, जो आपको एक अबोव सेगमेंट की गाड़ी वाली फील देगी होंडा एलिवेट को जब आप ड्राइव करेंगे। वहीं पर अगर हम बॉडी रोल की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी कंट्रोल्ड बॉडी रोल फील होने वाला है गाड़ी के अंदर। सस्पेंशंस की क्वालिटी अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी ये सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट ऑफर करती है। तो ख़राब रास्ते के ऊपर से लेकर निकलेंगे तो आपको कहीं भी वो नीचे जो गाड़ी टच होती है ना, जो सेडान्स में आमतौर पर या कुछ आज के टाइम में मिड साइज सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो भी टच हो जाती हैं, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है उनकी, वो आपको कमी यहाँ पर होंडा एलिवेट के अंदर फील नहीं होने वाली। 500+ किलोमीटर में ड्राइव कर चुका हूँ, सीटिंग कम्फर्ट अभी तक मुझे काफ़ी पसंद आया इस गाड़ी का। इसके हेडरेस्ट की जो डिज़ाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, तो ओवरऑल एक कंफर्टेबल स्पेसियस, पीछे काफ़ी सा आपको स्पेस मिल जाता है लेगरूम के रूप में, हेडरूम के रूप में, और हम 4 लोग लगातार ट्रैवल कर रहे हैं इस गाड़ी के अंदर तो अभी तक थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं है गाड़ी में। हालांकि हमने 400 किलोमीटर बाद एक ब्रेक जरूर लिया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीचर्स की तो यहाँ पे आपको एक बड़ा इंफोटेनमेंट मिल जाता है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं, ऑटो क्लाइमेटिक AC कंट्रोल आपको मिल जाता है, वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है। हालांकि इसमें टाइप सी आपको USB पोर्ट्स नहीं मिलेंगे बट 2 USB पोर्ट्स आपको जो टाइप बी वाली वो मिल जाती है। पीछे सिगरेट लाइटर आपको लगाना होगा मोबाइल चार्जिंग के लिए और बढ़िया आर्मरेस्ट आपको सेंटर में पीछे वाली सीट्स के ऊपर भी मिल जाती है। वहीं पर इसके अंदर आपको ADAS मिल जाता है और ये काफ़ी काम का फीचर है, रडार बेस्ड नहीं है कैमरा बेस्ड है, उसके बावजूद यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देता है, फील होता है। लेन की कैपेसिटी इसका बहुत अच्छे से काम करता है, लेन से आपको बाहर नहीं जाने देता और अगर आप लेन से बाहर जा रहे हैं तो इसका एक इंडिकेशन यहाँ पर आ जाता है और आपको सेंटर में रखने की कोशिश करती है गाड़ी। अगर आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, सामने अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो अपने आप गाड़ी स्पीड कम कर लेती है। और सेफ्टी के लिहाज से भी ना ये काफ़ी ज़रूरी फीचर्स हैं जो फैमिली कार के अंदर आज के समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बन गई है इस तरह के फ़ीचर्स की, जो आपको होंडा एलिवेट के अंदर मिल जाते हैं। किलोमीटर चलाने के बाद यहाँ पर फ्यूल गाड़ी का ख़त्म होने को आया है और हम पहला टॉप अप करवा रहे हैं यहाँ पर। अभी तक MID में माइलेज आ रही है 16.8 किलोमीटर पर लीटर की, जो काफ़ी अच्छी माइलेज है। अभी जो टॉप अप हुआ है फ्यूल वो डाला है इसमें 34 लीटर्स का और अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं जैसलमेर के लिए।
रास्ते में हमें हाईवे के किनारे एक बढ़िया एक लोकेशन दिखी जहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी भरा हुआ है। स्नैक्स ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत आपको जानवर भी दिखाई दे सकते हैं, गाय, मोर, कुछ हिरन जैसा भी एक मुझे जानवर है जो दिखाई पड़ा है। और तकरीबन 7 घंटे की ड्राइव के बाद हम बीकानेर से जैसलमेर पहुंच गए हैं और अब चल पड़े हैं सैम ड्यून्स की तरफ। और रास्ते में हम रुके हैं पैरा सेलिंग के लिए। 500 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज लिया जाता है पैरा सेलिंग का। और अगर आप डेजर्ट सफारी करने सैम ड्यून्स आ रहे हैं तो आप इवनिंग के समय अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे ही पहुँचे। मैं पहुँचा हूँ शाम को और यहाँ पे बढ़िया सनसेट का हमने एक नज़ारा लिया है। कैमल राइड भी की है, पैरा मोटरिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं, 4x4 SUVs के अंदर आप यहाँ पे सफारी भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा यहाँ पे एक एक्सपीरियंस रहने वाला है। अगर आप जैसलमेर आएँ तो सैम ड्यून्स ज़रूर आइएगा। और अब हम आप पहुँचे हमारे रात के ठिकाने पर जो है चौकी ढानी का डेजर्ट कैंप। ये सैम ड्यून्स के बिल्कुल पास है और यहीं पे हम रात को स्टे करने वाले हैं। झूमे रे झूमे सजनी ढलती ढलती रात माँ, झूमे रे झूमे सजनी ढलती ढलती रात माँ, काजल बिंदिया लगा के झूमे ढलती रात माँ, झूमे रे झूमे सजनी ढलती ढलती रात माँ। और रात को हमने बढ़िया राजस्थानी थाली के साथ में डिनर किया है और सुबह 5 बजे हम निकल पड़े हैं गुड़गांव के लिए। तो अब जैसलमेर से हम निकल रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली गुड़गांव के लिए। और अभी तक क्या था ना, हम जब जैसलमेर आए थे तो एक स्टे हमने लिया था बीकानेर में, बट अब वापसी में हम सीधे वन शॉट में पहुँचने वाले हैं जैसलमेर से गुड़गांव। लगभग 800 किलोमीटर के आसपास ये ड्राइव रहने वाली है। जैसलमेर भी नहीं हूँ मैं, अभी हूँ चौकी ढानी सम के अंदर और यहाँ से दूरी तकरीबन 800 किलोमीटर के आसपास की है। यहाँ पे सामने आपको दिखाई देने वाला है कि अंधेरा है और हल्की फुल्की रोड मार्किंग्स हैं। अब इस रोड मार्किंग के ऊपर ये जो बीप है ना, ये बीप है लेन डिपार्चर वार्निंग। तो मतलब यहाँ पे अगर आपको हल्की फुल्की भी अगर लेंस बनी हुई हैं तो ये कैमरा काफ़ी अच्छी सी रीड कर लेता है एडास वाला कि भैया गाड़ी लेन से बाहर जा रही है और ऑटो करेक्ट भी कर देता है। तो ये चीज़ें हैं जो सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर हेडलाइट थ्रो की बात करूँ मैं तो इसमें आती हैं LED हेडलाइट्स। मैं अभी हेडलाइट्स को बंद कर देता हूँ, बिल्कुल अंधेरा आपको सामने दिखाई देगा। ये इसकी लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है। तो ऐसा आपको यहाँ पर हेडलाइट का थ्रो मिल जाता है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये थ्रो।
वापसी में 1126 किलोमीटर की ट्रिप के दौरान हमारा फ्यूल दोबारा ख़त्म हुआ है और दोबारा हम टॉपअप करवा रहे हैं, और इस बार जो टॉपअप हुआ है वो हुआ है 36 लीटर्स का। और अब हम बीकानेर को क्रॉस कर रहे हैं, और अब वापसी में हम बीकानेर के अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फेमस दही बड़े और समोसा कचौड़ी टाइप के काफ़ी सारे आइटम्स हैं, तो लंच में आज हम यही खाएंगे। दोस्तों समय हो गया है लगभग 5 बजे और ये ड्राइव हमने चालू की थी सुबह 5:30 बजे। यहाँ पे 5:51 टाइम हो चुका है, गाड़ी चल चुकी है 1518 किलोमीटर। अब यहाँ देखेंगे ओडो है इसका 7198 पर और 1518 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, मतलब ये हुआ कि 700 किलोमीटर हम गाड़ी को अभी तक नॉन स्टॉप चला कर लाए हैं पिछले 11 घंटे में। 1 घंटे के आसपास का समय जरूर लगा था हमें जब ब्रेकफास्ट और लंच के लिए रुके थे, बाकी 10 घंटे में 700 किलोमीटर की ड्राइव रही और फाइनली हम आ पहुंचे हैं गुड़गांव के आसपास। और यहाँ पे अगर आप स्पीडो देखेंगे ना गाड़ी का तो ये चल गई है 1554 किलोमीटर्स। अब मैं एक बार फुल टैंक करवा लेता हूँ, फिर आपको फाइनली बताने वाला हूँ कि 1555 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी ने कितना फ्यूल लिया है और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो परसों लगभग इसी समय हम निकले थे गुड़गांव से जैसलमेर के लिए, बीकानेर में एक हमने हॉल्ट लिया, कल रात को हम जैसलमेर में हमने स्टे किया है और आज सुबह जैसलमेर से निकले हैं गुड़गांव के लिए। तकरीबन 13 घंटे की ड्राइव के बाद हम आ पहुंचे हैं गुड़गांव। 1555 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी को ड्राइव किया है और 27.12 लीटर्स फ्यूल लिया है यहाँ पर, और उसके अलावा जो पहले फ्यूल डला था ना मैं आपको दिखा देता हूँ, 34 लीटर्स एक बार फ्यूल डला है, 36 एक बार डला है और 27.12 अब डला है, 97.12 लीटर्स टोटल फ्यूल लगा है। 1555 डिवाइड बाई 97.12, 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। कैसी लगी आपके माइलेज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाड़ी हम फुल लोड के साथ में लेकर गए हैं इस माइलेज टेस्ट के लिए, पूरा लगेज है और 4 पैसेंजर मतलब 3 अडल्ट एंड 1 किड के साथ में हमने ये जो माइलेज टेस्ट है वो किया है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कहाँ बैठे हैं वो दोनों। ये जो एक्स्ट्रा लेग रूम का जो मज़ा ले रहे हैं ना, ये दर्श एंड पूजा दोनों बैठे हैं गाड़ी के अंदर और ये ट्रिप इन्होंने काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया है थैंक्स टू होंडा एलिवेट। एक्स्ट्रा लेगरूम आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी सेगमेंट की गाड़ियों के मुकाबले। उसके अलावा जो केबिन स्पेस है वो तो अच्छा है ही, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है गाड़ी के अंदर, माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है और एडास जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी के फीचर्स हैं जो आपकी राइड को आपकी ड्राइव को काफ़ी सिक्योर बना देते हैं। तो ओवरऑल वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, माइलेज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेते हैं, विदा मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।